किस तरह से सैनिकों का शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक जाती है या नहीं जाती? जवानों की सच्चाई सरकार तक पहुँच नहीं रही। कि गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, ये तो हमारे नजदीक ही नहीं आ रही है। वो प्रधानमंत्री जी के पास जो है ना, असली जवान जो है पहुँच ही नहीं पाते हैं। वोट की चोट देंगे, इसमें कोई शक है क्या? हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक और मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, जवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो आप लोग क्यों धरने पे हैं? हमारे साथ में ORPP 1-2 के अंदर वेतन विसंगतियाँ हुई है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और ये जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती है, जो हमारी बात है वो बिल्कुल जायज है। और इस बात को आप सरकार तक पहुँचाएं, ये मीडिया का काम है। वो तो ठीक है, सरकार तक तो पहुंची। आपको क्या लगता है, 7 दिन से यहाँ है, सरकार तक बात नहीं पहुंची होगी? बात तो पहुंची है, लेकिन सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है। और जब उसको एक दिन इस चीज़ को मानना पड़ेगा, गलत मांग हम कर नहीं रहे। हमारे साथ में जो भेदभाव हुआ ना, आप बोल रहे हैं सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जाते हैं बॉर्डर पे मिठाइयाँ खाने के लिए, होली मनाने के लिए जाते हैं, जो उनका सेना के साथ लगाव है, हर बार वो अपना जन्मदिन भी सेना के बीच में मनाते हैं। लेकिन इसमें खामियां हुई है हमारे साथ में, उसी को लेकर के धरना है और धरना जारी रहेगा। तो सरकार से आप खुश नहीं हैं? सरकार अंधेर बेरी हो रही है, आपको सब पता है। जब ORPP के अंदर ऑप्शन को कितना दिया, 3% ऑप्शन है और 97% जवानों क्या मिला ORPP में, देख नहीं रही। वो पेपर लेके देखो किसको कितना पैसा गया है, जवानों को कुछ नहीं मिला। हमारी जो जवान विधवा हो जाती, बॉर्डर पे सैनिक मर जाता, उसकी औरत को सिर्फ 9,000 रुपये पेंशन, अफसर की औरत को 75,000 रुपये मिल रहे हैं। क्यों, विसंगति है। आप अपने अफसर के विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, अफसर के विरोध नहीं, इक्वल होना चाहिए। MSP वो भी बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है, हम भी बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं। हमारे को 5200 रुपये MSP मिल रही है मिलिट्री सर्विस पे, और उनको 15,000 रुपये मिल रही है। क्यों, सर्दी में वो भी रह रहा, गर्मी में वो भी रह रहा, उसको तनख्वाह अलग है, पढ़ा लिखा है, उसकी तनख्वाह से हमारा कोई लेना, लेकिन अलाउंस होता है ना, वो इक्वल होना चाहिए। इसमें बहुत विसंगतियाँ, ये विसंगतियाँ दूर होनी चाहिए। आपके जो अफसर से वो तो जाते हैं TV डिबेट में, सरकार से डायरेक्ट उनकी बात होती है, तो आप लोगों की मांगे क्यों नहीं करते? नहीं, कभी नहीं होती। हमारे को आज दिन तक 2 महीने हो गए भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ धरना प्रदर्शन करते, सरकार का कोई मंत्री आके 60 दिन हो गए, 2 महीने का एक भी दिन उनका प्रतिनिधि आके बोला के भूतपूर्व सैनिकों से, भूतपूर्व सैनिक देश के नाम बोल रहे हैं क्या? जो अभी सरकार के कोई मतलब मंत्री नहीं आए, कोई नहीं आया, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम जवानों के लिए, किसानों के लिए। मंत्री जी ने रेवाड़ी में भी 7 लाख फौजी आए थे, वहाँ भी वादा किया था, वादा किया ORPP उन्होंने डिक्लेयर कर दी, लेकिन पैसा जवानों को अब तक एक कुछ नहीं मिला। किसका साथ किसका विकास हो रहा है? किसका साथ किसका विकास, ये तो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, बाकी किसी का नहीं कर रहे हैं। किसका साथ, सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। पहले मेरे को एक बात बताओ, आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक जाती है या नहीं जाती है? जाती है या नहीं जाती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक जाती है या नहीं जाती? जाती है। आप हमें हमारे अफसरों के खिलाफ कर रही है, क्या अभी आपने कभी पूछा अफसरों को कि आपको इस ORPP में कितना मिला? आप हमारे से तो पूछने आ गए, उनसे पूछा उनको कितना मिला? किसी मीडिया ने पूछा उनसे कि आपके अकाउंट में कितना आया और हमारे अकाउंट में कितना आया? पूछा आप लोगों ने? 60 दिन हो गए, 60 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपने कभी किसी से पूछा नहीं, उनसे जाकर किसी अफसरों से जिनके अकाउंटों में इतने पैसे आ गए उनसे पूछा नहीं, और हमारे से पूछते, हमारे तो आया नहीं, तो हम तो इसका विरोध कर रहे हैं ORPP2 का। नहीं, कर तो रहे, लेकिन सरकार क्यों नहीं मान रही है, क्यों नहीं मान रही है सरकार आपकी मांग? अभी तो आप बेहतर जानती है हमारे से, आप मीडिया वाले हैं। सरकार तक मैडम सच्चाई जो है, ये बोल रहे हैं सरकार तक सच्चाई नहीं पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवानों की सच्चाई सरकार तक पहुँच ही नहीं रही, मोदी साहब के पास नहीं पहुँच रही, रक्षा मंत्री के पास नहीं पहुँच रही, नहीं गृह मंत्री के पास पहुँच रही, जवानों की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है सर, कि सरकार तक आप लोगों की मांग नहीं पहुंच रही है? हमारी तो सरकार की मीडिया जो है वो पास तक नहीं फटकती, ये तो आपकी जो कोटि कोटि आप लोगों को धन्यवाद है कि आप लोग जो है हमारी आवाज़ को जो है जन जन तक पहुंचा रही हैं।
लेकिन पार्लियामेंट नज़दीक होने के बाद भी आपकी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया ये तो हमारे नज़दीक ही नहीं आ रही है कि किस तरह से सैनिकों का शोषण हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ में हम जो है यहाँ आवाज़ उठाने हर राज्य से आ रहे हैं। तो हमारा यही कथन है कि जो है इस शोषण को मिटाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए और ताकि इन सैनिकों का उद्धार हो सके। आपने बोला कि सरकार बहरी गूंगी हो गई है, सरकार तक बात नहीं पहुंची, लेकिन जब प्रधानमंत्री बॉर्डरों पे जाते हैं मिठाई खाने के लिए, होली दिवाली मनाने के लिए, हमेशा जवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो अभी क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं आपसे कहूँ कि प्रधानमंत्री जी जब वहाँ जाते हैं ना, तो गिने चुने चमचों को वहाँ पर जो है अधिकारी लोग तैयार कर देते हैं। वो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री जी के पास जो है ना असली जवान जो है पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनका दुखड़ा जो है वो सुनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ये तो क्या है कि ये जो भी बोलते हैं वो अधिकारी वहाँ पहले ही जो है रचना व्यूह रचना करके रखते हैं इनकी। लेकिन दो महीने हो गए आप लोग का, जाहिर सी बात है आप लोग का जो मेमोरेंडम होगा वो प्रधानमंत्री के ऑफिस गया होगा, पीएमओ ऑफिस, सबको मालूम होगा कि दो महीने से आप लोग धरने पे हैं। आप जानते हैं कि क्या अंधी बहरी गूंगी सरकार थोड़ी है, गूंगी सरकार चल रही है क्या? ये गूंगी सरकार नहीं है, इनके पास में आलपिन गिर रही है तो भी वो मोदी जी के पास में सूचना पहुंचती है। लेकिन क्या है कि ये जो है, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता कि हमारे जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने उनको जो है गिरफ्त में ले रखा है। अब वो जो ना इधर के रहे ना उधर के सनम, उनके हालात खराब हैं, नेता क्या करे, क्योंकि जो है गिरफ्त में तो ये जो अधिकारी हैं ये कानून बनाते हैं। आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है और उसके बावजूद भी इनको ये पता नहीं है कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून सेना में चल रहे हैं, जवानों के साथ, एनसीओज के साथ में, जेसीओज के साथ में अन्याय हो रहा है। एक सवाल और है, आप लोग मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, आपने भी बोला, लेकिन जो सतपाल मलिक जो हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले में उन्होंने हमें चुप रहने को कहा है मोदी जी ने। देखिए सुनिए, पहले कभी भी किसी को जनरल और जज जो होता था ना, उनको ये बड़ी होनरेबल पोस्ट थी, इनको जो है दूसरी जो है चमचागिरी के लिए दूसरी पोस्ट नहीं दी जाती थी। लेकिन आज हमारे जो है, आपको मालूम है एक सीन सी मरे, कैसे मरे, क्योंकि यदि वो दोबारा नहीं बैठते, लोभ नहीं करते तो वो मरते नहीं, और मरते नहीं तो जो है हमारा एक अनुभवी जनरल जाता नहीं। तो ये क्या है कि ये किसी को गवर्नर बना देते हैं, किसी को एम्बेसडर बना देते हैं और बाहर भेज देते हैं। ये सब जो है इनकी व्यूह रचना है राजनीतिज्ञों की, उससे अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, देश का भी हो रहा है, सैनिकों का भी हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? उनको पुलवामा हमले पे किसको किसको दोषी देंगे आप? पुलवामा हमले के अंदर दोषी जो है, जब हमारे नियम बने हुए सेना में के 5 जो है गाड़ियों के बाद में एक अधिकारी की गाड़ी जाएगी, वो अधिकारी जो है ना उस पीछे चलेगा डिवाइडेड, लेकिन ये अधिकारी सारे के सारे एक ही गाड़ी में बैठ के चले गए और जवानों को एक ही गाड़ी में भर दिया, इसलिए दुर्घटना हुई। क्या लग रहा है, कब तक आप लोगों को न्याय, आपकी मांगे पूरी की जाएंगी? 60 दिन तो हो चुके हैं। हमारी मांगे तो पूरी होके रहेंगी, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ हम ये जंतर मंतर छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लेंगे है? ऐसे ही बैठे रहेंगे? 60 दिन तो हो गए, हमेशा बैठे रहेंगे, मांग तो पूरी हो नहीं। क्या 60 साल भी हो जाएंगे या प्राण जाए तो जाए, है ना, हम क्या करेंगे? हम लोग जो है मजबूर सैनिक है, क्या है, मजबूरी में आए हैं। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता है, इसलिए हम लोग जो यहाँ बैठे रहेंगे क्यों?
कि धर्म का खत्म हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भारत भवति भारते अभ्युस्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजम्य हम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। है जब इनको विनाश होना होगा ना, तो ये हमारे को जो है हमारी मांगों को मंजूर नहीं करेंगे, और यदि ये इनको मांगे मंजूर नहीं करेंगे तो हम ये कहते हैं आज हजारे वृक्ष के नीचे से कि ये सत्ता खत्म हो जाएगी, वोट की चोट देंगे। इसमें कोई शक है क्या? ये कहते हैं ना संख्या बल दिखाओ, हम संख्या बल दिखा रहे हैं, अब संख्या बल को भी ये नहीं मान रहे हैं, तो एकजुट हो ही नहीं रहे, 10-20 करके आ रहे। देखिए सुनिए, इस देश में जो है हम सब एकजुट हैं, लेकिन ये कुछ जयचंद है ना, तो वो जयचंद जो है इस ये बातें जो बनाते रहेंगे, है ना। तो देख रहे हैं सैनिकों में बहुत गुस्सा है, और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो 60 साल यहीं पे बैठे रहेंगे और वोट की चोट देंगे, अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इनकी सत्ता गिरा देंगे। इन लोगों को 60 दिन हो चुका है, लेकिन सरकार यहाँ से बहुत कम दूरी पर संसद भवन है और अभी तक इन लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि कब तक इनकी बात सुनी जाएगी, क्या होगा, इनकी मांगे पूरी होगी नहीं होगी? जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर